हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और अभी जो हीट वेव है वो भी धीरे धीरे शुरू होगा। तो बेसिक थिंग है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं ताकि आपका गार्डन थ्रू आउट गर्मी अच्छे से रहे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कुछ पत्तियाँ सूख गई हैं इन पौधों में, तो उन पत्तियों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है, ये पत्तियाँ इनको हील करने में एनर्जी खींचती रहती हैं और फिर बाकी के तरफ पौधा अच्छा नहीं रह जाता, धीरे धीरे ये पूरा पौधा ख़राब होने लगता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पौधे में चींटी लगी हुई है, तो इसे बहुत कुछ नहीं करके, कोई ज़रूरत नहीं कि आप ये तमाम चीज़ें यूज़ करो, सिर्फ पानी से धो दोगे तो भी ये सही रहता है। मिट्टी को ऊपर नीचे करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी गार्डन टूल अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो पेचकस पाना जो भी मिले आप उससे भी ऊपर नीचे मिट्टी कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि एयर जो है वो ऊपर नीचे सर्कुलेट हो पाएगा और मिट्टी सख्त होने के कारण एयर सर्कुलेट नहीं हो पाता है, तो प्लांट को भी ब्रीदिंग की ज़रूरत होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही आप देख सकते हो कि एक्स्ट्रा जो घास है इसे भी निकालना ज़रूरी होता है। पौधों की जो ग्रोथ होती है ना, इन खरपतवारों के कारण क्या होता है कि वो ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो पाती, तो उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही मिट्टी की एनर्जी वो भी पौधे लेते रहते हैं और मेन प्लांट भी लेता रहता है, तो दोनों की तरफ एनर्जी जाती है और मेन प्लांट अच्छा हेल्दी नहीं रह पाता है। साथ ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस पौधे से भी मैं जितनी भी एक्स्ट्रा ड्राई लीव्स हैं उसको मैं निकाल रही हूँ। ये हमको हर एक पौधे के साथ करना है, जितने भी पौधे हैं आपके पास में आप ध्यान रखिए कि उन सभी पौधों के आपको ड्राई लीव्स निकालने बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो पौधा अच्छा दिखेगा और साथ ही ये स्वस्थ भी रहेगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसका हमको ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो अब बात करते हैं प्रूनिंग की। प्रूनिंग का मतलब इसको ट्रिम करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें नए लीव्स आ सकें, और ये टाइम सही है। एक बार जो डोरमेंसी का पीरियड ख़त्म होता है उसके बाद में प्लांट को कटिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नए लीव्स की स्प्राउटिंग कर सके और उसके ब्रांचेस बढ़ेंगे और वो हेल्दी होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये देखो ये कितनी सही कटिंग पड़ी हुई है यहाँ पे। सभी प्लांट्स, जितने भी परमानेंट प्लांट्स होते हैं, मैं सबकी प्रूनिंग करती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ तुलसी का पेड़। फिर मैं तुलसी के पेड़ को, इसकी भी मैंने प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग की है, काफ़ी अच्छे से प्रूनिंग की है। अधिकतर ठंडियों में क्या होता है, डोरमेंसी के कारण इसके लीव्स ड्राई हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रून दैट दिस प्लांट, एंड प्रूनिंग के बाद में आप नए लीव देख पाओगे और हेल्दी हो जाएगा। आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि प्लांट ख़राब हो गया और ये ख़त्म हो गया। तो बस आप प्रून करो और उसके बाद में आप चेंजेस खुद ही देखोगे कुछ दिन बाद में। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मैं तुलसी का पौधा था ये 2.5 से 3 साल पुराना है, और ऐसे मेरे पास में कई तुलसी के पौधे हैं जो अभी भी बने पड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, और मैं हर साल इसी तरीके से इनका केयर करती हूँ। अभी मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि मैं सभी पौधों के, जितने भी गमले हैं मेरे, उन सभी की मिट्टी को मैं ऊपर नीचे कर दूँ ताकि एयर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये मेरा रूटीन है कि महीने में मैं एक बार करती हूँ। और मैंने यहाँ पर नए पोर्टोलिकास, जिसे हम मॉस रोज़ के नाम से भी जानते हैं, उसको मैंने आज लगा दिया है ताकि आने वाले टाइम में गर्मी में ब्लूम कर सके। और ये देखो मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे हैं ग्रीन नेट लगाने में। अभी जैसे कि आप जान रहे हो कि गर्मी बढ़ रही है और सभी पौधे, उनकी देख रेख करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ग्रीन नेट लगाओ, शेड में रखो सारे पौधों को, उनकी शिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अब डाल रही हूँ खाद सभी पौधों में, पौधे के हिसाब से। ये गमला बड़ा है तो मैं इसमें 2 मुट्ठी डाल रही हूँ, और बाकी गमलों में जो छोटे गमले हैं उनमें मैं 1-1 मुट्ठी खाद डालने वाली हूँ। तो इस तरीके से ये सारे बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बट ये आपके पौधे को हेल्दी रखेगा और आपका गार्डन हमेशा हरा भरा रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।